शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदां शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ये दीप ज्योति सभी के जीवन में प्रकाश ले भाइयों बहनों, अक्सर होता है कि विकास की योजनाएं हमारे लिए बनती हैं। जब तक कोई योजना आती नहीं तब तक हम उसके प्रति बड़े लालायक होते हैं, लेकिन विकास की योजना स्वीकृत होते ही हम उसके साथ एक प्रकार से वैराग्य का सा भाव अपना लेते हैं, हम उस ओर देखना नहीं चाहते। और यहीं से विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार प्रारंभ होता है। आप सोचिए, अगर केवल श्रम मंत्री के द्वारा सामूहिक विवाह के कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाती है, वे स्वयं उसमें रुचि नहीं लेते, क्या एक साथ 678 विवाह के बंधन, गरीब श्रमिकों की पुत्रियों की शादी के कार्यक्रम इतनी भव्यता के साथ संपन्न हो पाते, इतने जनप्रतिनिधि उस मंच पर आ पाते, इतने गणमान्य नागरिक आ पाते और इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति हो पाती? ये रुचि लेने की बात है। एक व्यक्ति रुचि लेता है, उसका परिणाम हमारे सामने इस भव्यता के रूप में सामने देखने को मिलता है। और ये शादी विवाह का कार्यक्रम भी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने की एक नई कड़ी है। प्रत्येक कन्या की शादी के लिए 35,000 रुपए की व्यवस्था प्रदेश सरकार उस परिवार को उपलब्ध करा रही है जिस परिवार की कन्या है। श्रम विभाग इस मामले में और आगे चल करके कार्य कर रही है। ऐसे सभी श्रमिकों को जिन्होंने श्रम विभाग के अंदर रजिस्ट्रेशन अपना कराया है, ऐसे परिवारों की कन्या की शादी के लिए 65,000 रुपए श्रम विभाग के द्वारा जहां दिया जा रहा है, वहीं साथ ही साथ श्रमिकों के कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं को आपके बीच में लागू करने का कार्य भी श्रम विभाग के द्वारा सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। मैं आज बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठने वाले अपने उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने एक भयमुक्त वातावरण में परीक्षाएं दी हैं। आप जानते हैं, इस बार हम चाहते थे कि हमारा युवा स्वावलंबी बने, हमारा युवा
देश के सामने अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सकें, इसके लिए हमारी सरकार ने तय किया था कि हम स्कूलों में नकल नहीं होने देंगे और उसके लिए हमने छात्र छात्राओं से सहयोग मांगा था। और मुझे प्रसन्नता है 65 लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी और शांतिपूर्ण ढंग से नकल विहीन परीक्षा हुई और नकल विहीन परीक्षा के परिणाम आज हम सबके सामने आए हैं कि हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 75% से ऊपर और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 72% से ऊपर आया है। ये इस बात को साबित करता है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं छात्रों की ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ लेकर के रहेगा, उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की इन परीक्षाओं में जिन छात्र छात्राओं ने आज सफलता प्राप्त की है उन सभी को मैं बधाई देता हूं, जो किन्हीं कारणों से सफल रहे हैं लेकिन उन्होंने परीक्षा देने की हिम्मत की उनके प्रति हमारी सहानुभूति है और मैं विश्वास करता हूं थोड़ी मेहनत और कर लेंगे अगली बार वे भी अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि जो दोनों परीक्षाओं में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप 10 की जो मेरिट बनी है, आज मैं उसको देख रहा था यहां आने से पहले, लगभग ऐसे 97 बच्चे हैं, उन सभी को लखनऊ में हमारे द्वारा सम्मानित करने का कार्य भी होगा। उन सभी टॉप 10 मेरिट में आने वाले बच्चों को सम्मान प्रदेश सरकार वहां पर प्रदेश में करेगी। इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी श्रमिक बंधुओं को बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। करूंगी रानिका और होशिला को, रानिका और होशिला ये सभी नवजीवन में आज प्रवेश कर रहे हैं। आयुष्मती, सविता और चिरंजीव अशोक, आयुष्मती दुर्गा और चिरंजीव रमेश, ये वो जोड़े हैं जो आज सामूहिक विवाह में जो 673 जगह, थोड़ा सा उन लोगों को हमारे मीडिया बंधुओं को फोटोग्राफ्स लेने में दिक्कत हो रही है, इसे मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा स्थान देते। आयुष्मती अंजनी और अमरजीत, चूंकि यहाँ से मुझे भी नहीं दिख पा रहा कितने जोड़े आ चुके हैं। आयुष्मती ज्योति और रामचियावन, ज्योति और रामचियावन के बाद समीर निशा और असलम, आज मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म और सनातन हिंदू धर्म की विधि से विवाह हुए हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ रेशमा खातून और अब्बास अली, रेशमा खातून और अब्बास अली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शिता का ये परिणाम, साथ इन्हें विश्वास है हो रहा विकास है। ये विकास की धारा जब अंतिम चरण तक पहुंचती है तो सही मायने में विकास की अवधारणा सार्थक होती है।